अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भी आपने न्यूज़ चैनल में आप सभी का इस्तकबाल है। न्यू कमिश्नर ऑफ पुलिस सीवी आनंद का पहला प्रेस मीट। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया और आवाम और मीडिया से इल्तिजा की कि पुलिस का इसी तरह से सपोर्ट करते रहें ताकि वो तमाम रूल्स के लॉ के इन्फोर्समेंट के लिए बेहतरीन खिदमत अंजाम दे। ट्रैफिक स्ट्रीमलाइन में, क्राइम्स में, सेफ्टी, वुमेन और चिल्ड्रन की सेफ्टी के लिए तमाम उन सब की तमाम प्रायोरिटी इस चीज़ की इम्प्रूवमेंट के लिए होगी। और इन्होंने ये भी कहा कि मीडिया और आवाम के साथ ये सब इकदाम अंजाम दिए जाएंगे और लॉ और ऑर्डर को शहर के बेहतरी के लिए रखा जाएगा। सीवी आनंद आईपीएस हैज़ एड्रेस द मीडिया एंड एक्सप्रेस द ग्रैटिट्यूड। ही एक्सप्रेसेस हिज ग्रैटिट्यूड एंड आल्सो वांट द कोऑपरेशन ऑफ मीडिया एंड पब्लिक फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी एंड क्राइम फ्री सिटी फॉर द प्रोग्रेस ऑफ हैदराबाद इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ट्रैफिक स्ट्रीमलाइंस, क्राइम, सेफ्टी फॉर वुमेन आर ऑल फर्स्ट प्रायोरिटी दे वांट टू इम्प्रूव। ही ऑल्सो सेज लॉ एंड ऑर्डर इज कंपल्सरी फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन। पीस शुड बी नेसेसरी टू अटेम्प्ट ऑल द सक्सेसफुल टास्क ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट। ब्यूरो रिपोर्ट, व्यापारी न्यूज़। इसी तरह की हम खबरों के लिए व्यापारी न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह। तेलंगाना राष्ट्र में भी उस पर फोकस है और लॉ एंड ऑर्डर अच्छी तरीके से यहाँ पर बनाए रखे हैं, उसको हम कंटिन्यू करेंगे, उस पर फोकस रहेगा। सभी ऑफिसर्स उस पर नज़र 24 घंटे लगाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर क्राइम्स भी काफ़ी रिपोर्ट होते हैं, हर तरीके के क्राइम्स। ये बीच साइबर क्राइम भी काफ़ी बढ़ गया है, हर तरीके का साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड्स हो या चीटिंग हो या जो भी हो, तो उसका उस पर निगाह लगाना बहुत ज़रूरी है। ड्रग्स का प्रॉब्लम जो है वो भी सीक्रेट डार्क नेट द्वारा भी कर रहे हैं लोग, उस पर भी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, उसके द्वारा हम उस पर भी निगाह लगाने की कोशिश करेंगे। ट्रैफिक स्ट्रीमलाइन करना भी एक प्रायोरिटी होगा, रूटीन क्राइम्स पर निगाह होगा और वुमेन सेफ्टी भी जो प्रायोरिटी रहा है की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट का और डिपार्टमेंट का उस पर और भी अच्छे तरीके से हम और स्टेप्स लेंगे। आप सबका मैं सीपी ड्यूटीज़ करने में आपकी मदद मैं चाहता हूँ। थैंक यू।